थांबे गेरा तो राती नाइट भी जाना ड्यूटी अभी हमें इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई है कि लगातार कश्मीर से सेब की पेटी में सेब की यार्ड में ड्रग्स को लेके ये पंजाब में जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। तो इसमें हमारी अभी एक दो दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी हमने डिसाइड किया था कि नशे वाला कोई भी व्यापारी होगा वो किसी भी सूरत में स्पेयर नहीं होगा। तो हमें जैसे SSP सांबा ने भी यही डायरेक्शन दी हुई हैं, उनकी सुपरविज़न में ही आज सुबह हमने एक टीम अपनी मानसर मोड़ में लगाई हुई थी, नाका लगाया हुआ था, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तो जैसे ही ये ट्रक वहाँ से आया मानसर मोड़ से, इसका जो ड्राइवर था उसने जैसे पुलिस पार्टी को देखा तो देख के वो घबराने लगा और उसकी कोशिश थी मैं ट्रक को फटाफट भगा के ले जाऊँ। फिर उस ट्रक का वहाँ से पीछा किया और यहाँ पे सिडको मोड़ में आके इस ट्रक को पकड़ा। जब इसको चेक किया तो फिर पता चला कि ड्राइवर की जो घबराहट थी वो इसलिए थी क्योंकि सेब की पेटियों में आधे सेब थे और कुछ सेब की पेटियों में इन्होंने बुकी रखी हुई थी। तो और अब किस तरह से कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? देखो, इसमें हमने जो ट्रक का ड्राइवर था उसको भी अरेस्ट कर लिया जो कि अक्यूज है इस केस में, और ट्रक की चेकिंग करने के बाद हमें 98 सेब की पेटियाँ ऐसी मिली जिसमें सेब की जगह बुकी थी और बुकी की जो क्वांटिटी है ये भी 6 क्विंटल से अधिक है। तो इसमें इसको ना स्पेयर किया जाएगा, इसकी गाड़ी भी कन्फिस्केट करने की कोशिश करेंगे, ड्राइवर भी हमने अरेस्ट कर लिया हुआ और सारी की सारी बुकी जो वो बरामद करके जब्त कर रहने वाला जो तस्कर पकड़ा गया सर ये अनंतनाग से आया कश्मीर से। ये सप्लाई भी कश्मीर से पंजाब? हाँ, नेचुरली ये सप्लाई भी कश्मीर से ही आई है। अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसकी परतें जो है खुलती जाएंगी। और हमने हाँ बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है और भी गिरफ्तारी हो और अदरवाइज भी हमने ड्रग्स पे शिकंजा कसते हुए यहीं पे सुबह नाके में एक हमने बुवाइन की भी गाड़ी पकड़ी थी, आज ही सुबह बुवाइन की भी पकड़ी थी। और हम लोगों ने सांबा पुलिस ने मुहैया किया हुआ कि जब तक नशा जहाँ से ख़त्म नहीं होगा हम लोग भी चैन की सांस लें।